सो गाइस बात करने वाले हैं Xiaomi के MIA 3 के बारे में। दोस्तों Xiaomi के MIA 3 के अंदर जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट कर दिया है Xiaomi ने। तो दोस्तों कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं और इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा Xiaomi के MIA 3 के अंदर, तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिए, और वीडियो नए आए तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं Xiaomi के MIA 3 के अंदर जनवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। और दोस्तों ये जो अपडेट है आपको कल ही ये अपडेट मिल चुका है। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं कहीं बाहर था, मैं अपने सेटअप के साथ नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना के डाल पाया। बट दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं Xiaomi के MIA 3 के अंदर जनवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट डेफिनेटली मिल चुका है। और दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया तो नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट कर लीजिए, और नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप अपनी फोन सेटिंग के अंदर जाइए, वहां पर एडवांस वाले ऑप्शन में जाइए, और वहां पर सिस्टम वाले ऑप्शन में जाके चेक फॉर अपडेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो अपडेट मिला है काफी छोटा अपडेट मिला है, ओनली 12.29 MB का, यानी कि 12.29 MB का ही अपडेट मिला है, ओनली 12 MB का अपडेट है। तो दोस्तों ये काफी छोटा अपडेट है, और इस अपडेट में Xiaomi रिलीज करता है कि हमने यहां पर आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव करी है, उसके बाद कुछ बग्स थी वो फिक्स करी है, और उसके बाद फोन की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करी है। तो दोस्तों यहां पर ये सारे चेंजेस और क्या आपको और भी नए नए बग्स और नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, बट दोस्तों यहां पर मुझे लगता है कि ओनली 12 MB का अपडेट है, और दोस्तों इसमें इतना छोटा अपडेट है कि इस अपडेट के अंदर कोई भी बग्स या फिर कोई भी इशू था वो इशू फिक्स नहीं हो सकती है। काफी छोटा अपडेट है, ओनली इसमें सिक्योरिटी पेज का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जनवरी 2022 का सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलेगा, अदरवाइज और भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस अपडेट के बाद मैं डेफिनेटली रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा Xiaomi के MIA 3 के इस अपडेट के बारे में कि क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला, क्या कुछ इश्यू देखने को मिला है। डेफिनेटली आपने अगर अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए, मैंने भी अपडेट कर लिया है। मैं आफ्टर 5 डे यूज करने के बाद आपको जरूर से रिव्यू दूंगा कंप्लीट पूरा, और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही था, वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू।